नजफगढ़ के बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने के बाहर खड़ी ये लड़की इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस थाने की चौखट तक आ पहुंची है। अपनी आप बीती बयां करते हुए इस नाबालिग लड़की ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। 5 दिनों तक बंदी बनकर हैवान की हवस का शिकार हुई इस लड़की की सुनने वाला यहाँ कोई न था। पड़ोस के रहने वाले 2 युवकों ने पीड़िता का अपहरण किया और उसे हरियाणा ले गए। 5 दिनों तक पीड़िता को बंधक बनाकर उससे मारपीट और बलात्कार किया गया। दो लड़के तो मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए लगाते थे और मुझे ना रुमाल लगा दिया। कब लेके गए थे? 24 तारीख को। ये कौन लड़के थे, क्या नाम थे इनका? पवन और सर। ये कहाँ पे लेके गए? मुझे बोला डेरी लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा रेप किया था। एक लड़के ने तो मारे थे मेरे साथ और एक ने किया था। उसके बाद में कितने दिन तक आपको वहाँ रखा? वहाँ मेरे को 2-3 दिन तक रखा, फिर वहाँ पे अपने गाँव ले गए थे मेरे को। इसके बाद लड़की पर दबाव बनाया गया कि वो इस बात का जिक्र कहीं ना करे। साथ ही युवती के घर वालों को भी डराया धमकाया गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस से इस मामले की शिकायत की गई, तो यहाँ भी पुलिस का लापरवाह रवैया ही सामने आया। यहाँ से लेके गए गाड़ी में डाल के, फिर वहाँ पे मेरे मारे बोले, धमकी दी कि तेरे घर वालों को मार देंगे ये, और फिर वहाँ पे मेरा रेप किया। फिर वहाँ पे अपने गाँव ले गए, उसके दादाजी आई, पुलिस आई, मेरे को बोले वहाँ पे तेरा मेडिकल होएगा, वहाँ पे मना कर देना, जबरदस्ती करेंगे तेरे साथ। देर सवेर ही जाकर पुलिस ने अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया। लेकिन इस घटना के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस आखिर कब संजीदा होगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए ओपी शुक्ला की रिपोर्ट।